So guys, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक लाइव ट्रेड के साथ सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ग्रो एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो और किस तरीके से आप ग्रो एप्लीकेशन में ऑप्शन ट्रेडिंग करके रोजाना 1500 से 2000 रुपए कमा सकते हो। अगर आप भी एक बिगिनर हो, अभी ट्रेडिंग स्टार्ट की और ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हो तो मेरे भाई आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको फुल बेसिक से लेके एडवांस सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ग्रो एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो, किस तरीके से आप ग्रो एप्लीकेशन में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑप्शन चेन को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से बाय किया जाता है, ग्राफ ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है तो आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है या फिर पुट ऑप्शन बाय करना है, ए टू जेड डिटेल गाइस आज की इस वीडियो में आपको एक लाइव ट्रेड के साथ बताने की और सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आई होप गाइस आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ बने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं मेरा ग्रो का डीमैट अकाउंट ओपन कर लेता हूं। अब अगर आप कभी डीमैट अकाउंट किसी और एप्लीकेशन में, तो आप उस एप्लीकेशन में भी सेम इसी तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग करके रोजाना 1500 से 2000 रुपए कमा सकते हो। अब ग्रो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर ऊपर की ओर आपको टॉप पर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स जैसे ऑल इंडाइसेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिनमें हम इजीली ऑप्शन और इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब आप चाहो तो निफ्टी 50 में भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, बैंक निफ्टी में कर सकते हो, सेंसेक्स में कर सकते हो, मिड कैप में कर सकते हो, जो भी इंडेक्स आप करना चाहते हो उसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। अब जैसे कि मान लीजिए आज मुझे बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो मैं बैंक निफ्टी सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर ऊपर की ओर आप देख सकते हो आपको बैंक निफ्टी की करंट प्राइस देखने को मिल रही है, जो कि 47,597 के आसपास चल रही है। फिर उसके नीचे आप देख सकते हो आपको प्लस में कुछ नंबर नजर आ रहे हैं। अगर ये प्लस में तो बैंक निफ्टी की प्राइस प्लस में यानी कि ऊपर बढ़ चुकी है, अगर ये माइनस में तो बैंक निफ्टी की प्राइस भी माइनस में यानी कि जहां से मार्केट ओपन हुआ है वहां से माइनस या फिर प्लस है आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी फिलहाल हमें प्लस नजर आ रहा है 111, 105, तो 100 पॉइंट से गाइस बैंक निफ्टी की प्राइस आज बढ़ी है। फिर उसके बाद नीचे आप देख सकते हो आपको कैंडलस्टिक और नॉर्मल ग्राफ पैटर्न का ऑप्शन देखने को मिलता है, फिर 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ और ओवरऑल आप परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो। अब अगर आप बैंक निफ्टी का कैंडलस्टिक ग्राफ पैटर्न देखना चाहते हो तो सिंपल आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपके सामने बैंक निफ्टी का कैंडलस्टिक ग्राफ पैटर्न ओपन हो जाएगा। अब ऊपर की ओर आप देख सकते हो सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम चेक करना है, तो अभी फिलहाल गाइस यहां पर 5 मिनट टाइम फ्रेम हमने सेट किया है, तो आप यहां पर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर, जो भी आप टाइम फ्रेम सेट करना चाहते हो वो सेट कर सकते हो। बाकी गाइस नॉर्मली जो ट्रेडर होते हैं वो गाइस 5 मिनट में ही ट्रेडिंग करते हैं और 5 मिनट को ही गाइस बेस्ट माना जाता है, तो आपने 5 मिनट टाइम फ्रेम सेट करना है। फिर यहां पर गाइस आप देख सकते हो आपको कैंडल्स नजर आते हैं और आपको पता लगाना होता है यहां से प्राइस इसकी ऊपर जा सकती है या फिर नीचे। अगर प्राइस ऊपर जाती है तो ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, प्राइस नीचे आती है तो यहां से रेड कैंडल फॉर्म होती है। यहां पर आप नीचे टाइम देख सकते तो अभी फिलहाल 9:39 हो रहे हैं और आपने याद रखना है 9:15 यानी कि 9:15 मार्केट ओपन होता है और 3:30 यानी कि 3:30 मार्केट क्लोज होता है। इसी बीच आपको ट्रेड को बाय और सेल करना होता है और प्रॉफिट अर्न करना होता है। जैसे कि गाइस आप देख सकते हो 5 मिनट टाइम फ्रेम को मैं 1 आवर सेलेक्ट करता हूं और यहां पर हम क्रॉस चेक करेंगे कि मार्केट नीचे से रिजेक्शन बना रहा है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हो मार्केट ने नीचे से 1 आवर यहां पर टाइम फ्रेम में कितनी बड़ी रिजेक्शन बनाई है और मार्केट की जो बॉडी है अपर साइड में, तो यहां से गाइस मुझे लग रहा है मार्केट की प्राइस ऊपर जा सकती है। अब गाइस इसका एक और कंफर्मेशन मेरे पास है, जैसे कि आपको पता ही होगा मैं आपको पिछले कुछ दिनों से बता रहा हूं कि मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम में यहां पर हायर हाई और हायर लो बना रहा है और कुछ इसी चैनल में मार्केट मूवमेंट कर रहा है। मार्केट ऊपर जाता है, हायर हाई बनाता है, फिर नीचे आता है, हायर लो बनाता है, यानी कि गाइस आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मार्केट यहां पर मूवमेंट कर रहा है इस चैनल में। तो अब यहां पर मार्केट क्या हुआ गाइस, ऊपर जाके नीचे आया, तो नीचे से यहां पर मार्केट को ऊपर जाना है, तो लॉजिकली हमारी एंट्री कहां पर बनती है, कॉल साइड में बनती है, क्योंकि गाइस यहां पर चैनल एंड हो चुका है। अब यहां से मार्केट को कहां जाना है, तो ऊपर जाना है, ऊपर हायर हाई बनाना है, तो लॉजिकली हमारी एंट्री कॉल साइड में ही बनती है, पुट साइड का सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना है। अब गाइस काफी सारे भाइयों के कमेंट्स आते हैं जो बिगिनर है, प्योरली बिगिनर है, कि भाई मार्केट में कॉल ऑप्शन कब बाय करना होता है, पुट ऑप्शन कब बाय करना होता है, तो मैं आपको बता दूं, जब आपको लगे प्राइस ऊपर जा सकती है तब आपने कॉल ऑप्शन को बाय करना है, जब आपको लगता है प्राइस नीचे जा सकती है तब आपने पुट ऑप्शन को बाय करना है। उसके लिए आपने ऑप्शन चेन सेलेक्ट करना है और आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएंगे, जहां पर आपको सभी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, सभी यहां पर आप बाय कर सकते हो। बट किस तरीके से गाइस इनको बाय किया जाता है, किस ऑप्शन को आपको बाय करना होता है, सही ऑप्शन कौन सा होता है, सभी कुछ मैं आपको बताता हूं। उससे पहले आपने समझना है कि किस तरीके से ऑप्शन चेन को डिफाइन किया जाता है, यानी कि ये आपको जो सामने इंटरफेस देखने को मिल रहा है इसको यूज कैसे किया जाता है। तो आप देख सकते हो प्राइस और ओआई दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले आपने ओआई को सिलेक्ट करना है। यहां पर गाइस आप ओआई से एनालिसिस कर सकते हो मार्केट का कि मार्केट ऊपर जा
जा सकता है या फिर नीचे कहां पर सपोर्ट है, कहां पर रेजिस्टेंस है। तो अगर आप इसका ओआई सीखना चाहते हो यानी कि एनालिसिस सीखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हो। इसमें गाइस मैंने आपको परफेक्ट सिखाया कि किस तरीके से आप ओआई का एनालिसिस करके पता लगा सकते हो मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर नीचे। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हो मैंने यहां पर एनालिसिस किए 47,600 के लेवल पर आप देख सकते हो कॉल राइटर ज्यादा है, तब भी गाइस यहां पर मार्केट क्या करने वाला है, आज इनको ट्रैप करेगा और मार्केट को ऊपर जाना है। और उसके नीचे आप देख सकते हो 47,500 की स्ट्राइक प्राइस है, जहां पर गाइस पुट राइटर ज्यादा है, कॉल राइटर कम है, तब भी गाइस आप देख सकते हो मार्केट को नीचे नहीं बल्कि आज ऊपर जाना है। ये सभी ट्रैप होंगे तो मार्केट को 47,600, 47,700, 800, 900, 48,000 तक भी मार्केट आज जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से गाइस यहां पर मुझे ओआई डिटेल कंफर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ गाइस मैंने आपको जो चैनल बताया था हायर हाई और हायर लो बना रहा है मार्केट, तो मार्केट को यहां से ऊपर जाना है, तो ये 2 से 3 कंफर्मेशन हमारे पास है, जिससे गाइस अभी फिलहाल यहां पर हमें कॉल ऑप्शन को बाय करना है। यहां पर हम एंट्री बनाएंगे और टारगेट हमारा लगभग 250 पॉइंट्स का रहेगा। बात की जाए एसएल की स्टॉप लॉस की, तो हमारा स्टॉप लॉस यहां पर लगभग 50 पॉइंट के आसपास हम सेट करते हैं। 50 पॉइंट से अगर नीचे मार्केट आता है एंट्री बनाने के बाद तो तुरंत ही मार्केट से बाहर हो जाएंगे, फिर हमें कितना भी लॉस हो कोई दिक्कत की बात नहीं। बट अगर प्राइस ऊपर जाती है तो परफेक्ट हम इस ट्रेड को होल्ड करेंगे और टारगेट बुक करके ही गाइस मार्केट से हम बाहर होंगे। तो अभी फिलहाल गाइस मुझे लगता है यहां से बैंक निफ्टी की प्राइस ऊपर जा सकती है, तो ऐसे में मुझे कॉल ऑप्शन को बाय करना है। अब ऑप्शन बाय करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके की ऑप्शन चेन ओपन हो जाएंगे। अब चलिए गाइस जो मेरे बिगिनर भाई है जिन्हें गाइस समझ नहीं आता है कि ऑप्शन चेन को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, उनके लिए गाइस शॉर्ट में मैं आपको परफेक्ट समझा देता हूं कि किस तरीके से आप ऑप्शन चेन को यूज कर सकते हो और इसको डिफाइन कर सकते हो। तो देखो लेफ्ट साइड में होती है कॉल प्राइस, वही राइट साइड में होती है पुट प्राइस, और मिडल में जो प्राइस होती है उसे हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, और स्ट्राइक प्राइस के एग्जैक्ट मिडल में आपको जो बोल्ड नंबर नजर आते हैं उसे हम कहते हैं स्पॉट प्राइस। क्लियर? अब स्पॉट प्राइस के ऊपर कॉल साइड में स्पॉट प्राइस के ऊपर के जो प्रीमियम होते हैं उन्हें हम इन द मनी कहते हैं, स्पॉट प्राइस पर जो प्रीमियम होते हैं उन्हें हम एट द मनी कहते हैं, वही स्पॉट प्राइस के नीचे के जो प्रीमियम होते हैं उन्हें हम आउट ऑफ द मनी कहते हैं। वही बात की जाए पुट साइड की, तो पुट साइड में कॉल साइड के एग्जैक्ट अपोजिट होता है, स्पॉट प्राइस के नीचे के जो प्रीमियम होते हैं उन्हें हम इन द मनी कहते हैं, स्पॉट प्राइस पर एट द मनी कहते हैं, वही स्पॉट प्राइस के ऊपर के जो प्रीमियम होते हैं उन्हें हम आउट ऑफ द मनी कहते हैं। क्लियर? अब बात की जाए ये इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ने क्यों कहा जाता है, तो फॉर एग्जांपल हम कॉल साइड की बात करते हैं, जैसे कि अभी फिलहाल मार्केट की करंट प्राइस कहां पर है, 47,579 के लेवल पर मार्केट है, यानी कि ये स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, एट द मनी की 47,500 की, तो इसीलिए गाइस हम इसे क्या कहेंगे, एट द मनी कहेंगे। वही गाइस 47,400, 47,300, 47,200 ये प्राइस इसने अचीव कर लिए, इसीलिए गाइस हम इसे क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसे इन द मनी कहते हैं। वही गाइस 47,600, 700, 800 ये प्राइस अभी तक इसने अचीव नहीं किए, यहां तक इसको जाना है, इसीलिए गाइस हम इसे क्या कहते हैं, आउट ऑफ द मनी कहते हैं। क्लियर? सेम इसी तरीके से गाइस पुट साइड का इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी को डिफाइन किया जाता है। और ऊपर की ओर आप देख सकते हो आपको कुछ डेट्स नजर आते हैं, ये इन कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट होती है, इस डेट को गाइस ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाते हैं यानी कि इनकी प्राइस जीरो हो जाती है, इसीलिए गाइस एक्सपायरी के दिन आपको कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, रिस्की होता है, 90% लोगों का एक्सपायरी के दिन लॉस होता है, तो इससे आपने बच के रहना है। वही बात की जाए गाइस जीरो टू हीरो ट्रेड की, तो स्पेशली गाइस जीरो टू हीरो ट्रेड एक्सपायरी के दिन किया जाता है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन गाइस प्रीमियम के प्राइस जो है वो बहुत कम होते हैं, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, तो ऐसे में गाइस हम कम प्राइस में ज्यादा लॉट बाय कर सकते हैं, और अगर मार्केट हमारे साइड मूव करता है तो गाइस हम हीरो बन सकते हैं, यानी कि ज्यादा प्रॉफिट, अनलिमिटेड प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वही गाइस अगर मार्केट हमारे अपोज में जाता है तो हमारा जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाएगा और टोटली हमें लॉस हो जाता है, इसीलिए इसे जीरो टू हीरो ट्रेड कहा जाता है। अगर आप जीरो टू हीरो ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से गाइस ऑप्शन चेन को डिफाइन किया जाता है। अब अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट है तो कमेंट जरूर से करना, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की मैं कोशिश करूंगा। अब जैसे कि गाइस मैंने आपको पहले ही बताया था मुझे लग रहा है यहां से बैंक निफ्टी की प्राइस ऊपर जा सकती है, तो ऐसे में मुझे कॉल ऑप्शन को बाय करना है। अब मैं थोड़ा आउट ऑफ द मनी चलूंगा क्योंकि गाइस मुझे कम कैपिटल में ज्यादा लॉट बाय करना है, यानी कि 2 से 3 लॉट मुझे बाय करना है, जिससे गाइस अगर प्रॉफिट होता है तो अच्छा हो, लॉस होता है तो कम लॉस लेके यहां पर मैं बाहर हो जाऊं। तो सिंपल यहां पर मैं 48,100 वाला स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करता हूं, प्रीमियम की प्राइस आप देख सकते हो 208 रुपीज चढ़ रही, तो चलिए यहां पर मैं बाय के ऊपर क्लिक करता हूं। अब जैसे गाइस यहां पर मैं बाय के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर ऊपर की ओर आप देख सकते हो आपको इस कॉन्ट्रैक्ट की प्रीमियम की करंट प्राइस देखने को मिल रही है जो कि 207 रुपीज चढ़ रही है। फिर उसके बाद नीचे आप देख सकते हो आपको दो और ऑप्शन देखने को मिलते हैं, डिलीवरी और इंट्राडे। अब इनका क्या मतलब होता है, तो देखो डिलीवरी में आप जो भी ट्रेड बाय करते हो उसे आप एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो, वही इंट्राडे में मान लीजिए अगर आपने आज कोई ट्रेड बाय किया है तो उसे आपको आज ही के दिन सेल भी करना होता है, और अगर आप उसे सेल नहीं कर पाते हो तो मार्केट क्लोज होने से पहले आपका ब्रोकर उसे ऑटोमेटिकली सेल करता है, और इसके कुछ
कुछ आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने होते हैं, ये बात आपने जरूर से ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद नीचे आप देख सकते हो आपको क्वांटिटी का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहां पर आप लॉट के हिसाब से क्वांटिटी बाय कर सकते हो। एक लॉट में 15 क्वांटिटीज होती है, तो आप एक लॉट, दो लॉट, पांच लॉट, दस लॉट, इस हिसाब से गाइस यहां पर लॉट के हिसाब से आप क्वांटिटी बाय कर सकते हो। फिर उसके बाद नीचे आप देख सकते हो आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, मार्केट प्राइस और प्राइस लिमिट। अब इसका कैसे यूज किया जाता है, तो देखो जैसे कि अभी फिलहाल इस कॉन्ट्रैक्ट की प्रीमियम की प्राइस कितनी चल रही है, 207 रुपीज चल रही है, और मुझे लगता है ये 200 पर आ सकती है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर प्राइस लिमिट सेट करके यहां पर अमाउंट में एंटर करूंगा 200, और बाय के ऊपर क्लिक करते यहां पर मेरा ऑर्डर बाय हो जाएगा, बट ये पेंडिंग में चला जाएगा। जैसे ही इसकी प्राइस 207 रुपीज से गिरकर 200 रुपीज पर आती है, तब ये ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। तो अभी फिलहाल गाइस यहां पर मैं क्या करूंगा, मार्केट प्राइस पर ही इसको बाय करूंगा। बाय के ऊपर क्लिक करते ही आप देख सकते हो बाय ऑर्डर कंप्लीटेड लिखा आ चुका है। नीचे आपको सभी कुछ क्वांटिटी टाइप वगैरह सभी कुछ देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो नीचे यहां पर हमें एंट्री बनानी थी, बट गाइस आपको सिखाने के चक्कर में थोड़ा सा गाइस यहां पर मार्केट ऊपर हुआ है, तो थोड़ी सी हमारी एंट्री लेट हुई, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको सिखाना ही मेरा मेन मकसद है, इस ट्रेड से प्रॉफिट या फिर लॉस करना मेरा मकसद नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने यहां पर लॉन्ग पोजीशन सेट किए। अब यहां पर हमें पता चलेगा इसके मार्केट ऊपर जाता है तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, और अगर यहां से मार्केट नीचे आता है तो हमारा एसएल रहेगा गाइस 50 पॉइंट का, उससे ज्यादा गाइस यहां पर हम इसमें एसएल नहीं लेंगे। तुरंत ही मार्केट में यहां पर एग्जिट करेंगे ट्रेड को और बाहर हो जाएंगे। तो अभी चलिए यहां से बैक चलते और देखते हैं कि इस ट्रेड में प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है। तो यहां पर पोजीशन के ऊपर आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा रिफ्रेश करना है, और आप देख सकते हो टोटल रिटर्न 200, 162, 257। यहां पर आप देख सकते हो मार्केट थोड़ा ज्यादा ही वोलेटाइल है, जिससे गाइस यहां पर हमें तुरंत ही लॉस और रिकवर भी देखने को मिल रहा है, यानी कि गाइस 300 का लॉस भी देखने को मिल रहा है, फिर उसके अगले सेकंड गाइस 150 का यहां पर लॉस देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल गाइस यहां पर 200 से 300 रुपीस का हमें यहां पर लॉस देखने को मिल रहा है। और नीचे यहां पर आप देख सकते हो इस ट्रेड में हमने लगभग 225 रुपीस के प्राइस पर एंट्री बनाई थी, और अभी फिलहाल गाइस इस कॉन्ट्रैक्ट की प्रीमियम की प्राइस जो है वो 220-221 रुपीस चल रही है, जिसके चलते गाइस ऊपर आप देख सकते हो यहां पर लगभग 190-200 रुपीस के आसपास हमें यहां पर लॉस देखने को मिल रहा है। और जैसे गाइस यहां पर आप देख सकते हो मार्केट कितना वोलेटाइल है, 200 रुपीस लॉस देखने को मिल रहा था, और तुरंत ही गाइस 33 रुपीस का हमें प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। तो मार्केट गाइस अगर ज्यादा वोलेटाइल रहता है तो अपने मार्केट में एक्टिव रहना है, आपको स्पीड मेंटेन रखना है, आपको यहां पर तुरंत ही मार्केट यानी कि ट्रेड को एग्जिट भी करना पड़ सकता है। तो अपनी स्पीड मेंटेन करना है, एक्टिव रहना है, जितना आप एक्टिव रहोगे उतना गाइस यहां पर आपको पता चलेगा कि मार्केट किस साइड जा रहा है, आपको अभी फिलहाल क्या एक्शन लेना है। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हो 300 रुपीस का हमें लॉस देखने को मिल रहा था, और अभी फिलहाल करंट हमें यहां पर 20 रुपीस का प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहां पर मैं कैंडलस्टिक ग्राफ पैटर्न को फिर एक बार ओपन करता हूं और देखते हैं यहां पर मार्केट किस तरीके की कैंडल बना रहा है। तो आप देख सकते हो जहां पर हमने एंट्री बनाई थी वहां से गाइस मार्केट थोड़ा सा नीचे आया बस, और उसके चलते यहां पर हमें 100 से 200 रुपीस का लॉस देखने को मिल रहा है। अगर गाइस यहां से मार्केट ऊपर निकलता है यानी कि मार्केट में हमें एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, तो गाइस हमें 2000-3000 रुपीस का प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। वही गाइस अगर मार्केट नीचे आता है रेड कैंडल हमें देखने को मिलती है, तो गाइस हमें 2000-3000 रुपीस का लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए एक बार गाइस ओआई को क्रॉस चेक करते हैं कि ओआई क्या बता रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हो मार्केट है 47,610-46,16 के आसपास, तो ये लेवल हो जाती है 47,600 की लेवल, जहां पर आप देख सकते हो लगभग 80,000 कॉल राइटर है, वही आप पुट राइटर देख सकते हो 66,000 यहां पर पुट राइटर है। अब यहां पर कॉल राइटर ज्यादा है, फिर भी गाइस मार्केट को 47,700-800-900 जाना है, क्योंकि यहां पर गाइस ये ट्रैप हो सकती है, ट्रेंड जो है गाइस वो अपसाइड का है। तो मुझे लग रहा है यहां पर गाइस ये कॉल राइटर भले ही ज्यादा है बट यहां पर ये ट्रैप हो सकते हैं। किस तरीके से ये ट्रैप हो सकते हैं और हमारा एनालिसिस प्रॉपर वर्क कर पाता है या फिर नहीं, इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ पता चल जाएगा। तो अभी फिलहाल यहां पर मैं पोजीशन पर आता हूं और आप देख सकते हो इस ट्रेड से हमें 3 लॉट से हमने एंट्री बनाई, यानी कि 45 क्वांटिटी हमने बाय की है, और अभी फिलहाल गाइस यहां पर आप देख सकते हो 5 मिनट भी नहीं हुए लगभग 400-500 रुपीस का यहां पर मुझे लॉस देखने को मिल रहा है। तो अब गाइस यहां पर धीरे धीरे करके हमारा लॉस जो है वो बढ़ता जा रहा है, 600 रुपीस का आप देख सकते हो लॉस मुझे देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1000 रुपीस का गाइस यहां पर हमारा एसएल रखेंगे प्रीमियम में, यानी कि गाइस यहां पर जो लॉस आपको देखने को मिल रहा है अगर ये 1000 को क्रॉस करता है तो तुरंत ही यहां पर हम लॉस बुक करके बाहर हो जाएंगे, फिर वेट नहीं करेंगे। बट आप देख सकते हो मार्केट कितना ज्यादा वोलेटाइल है, जो हमें 600 रुपीस का अभी फिलहाल लॉस देखने को मिल रहा था वो आप देख सकते हो गाइस 198 का हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारा लॉस जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो आपने पेशेंट रखना है, पेशेंट के साथ गाइस यहां पर आपने ट्रेड में एंट्री बनानी है, घबराना नहीं है। मार्केट आपको डराता है, धमकाता है, घबराता है, बट आपने टेंशन नहीं लेना है। परफेक्ट आपने एनालिसिस किए तो परफेक्ट आपने वेट करना है, परफेक्ट आपने यहां पर प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर आना है। तो अभी फिलहाल गाइस यहां पर आप देख सकते हो लगभग 200-300 रुपीस के आसपास मुझे लॉस देखने को मिल रहा है। तो चलिए कुछ देर हम इस ट्रेड को होल्ड करते हैं और देखते हैं गाइस कुछ देर के बाद यहां पर इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट होता है या फिर इससे भी ज्यादा और लॉस होता है, जो
भी होगा आगे मैं आपको लाइव डेमो के साथ बताऊंगा, क्योंकि गाइस इतना बड़ा वीडियो कंटिन्यू करना पॉसिबल तो नहीं है, आपका इसमें टाइम वेस्ट होगा और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो। तो चलिए थोड़ा सा यहां पर मैं इस ट्रेड को कंप्लीट करता हूं, जैसे गाइस मुझे प्रॉफिट और लॉस देखने को मिलता है आगे मैं आपको इस ट्रेड को कंटिन्यू करके बताऊंगा। चलिए थोड़ी देर के लिए वेट करते फिर उसके बाद गाइस मैं आगे आपको बताता हूं। फाइनली गाइस आप देख सकते हो लगभग 12 से 15 मिनट हमने इस ट्रेड को होल्ड किया और अभी फिलहाल आप टोटल रिटर्न देख सकते हो लगभग 1100-1200 रुपीस का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया था मार्केट आपको डराता है धमकाता है, बट आपने पेशेंट रखना है, आपकी अगर एनालिसिस परफेक्ट है तो आपने होल्ड करना है। अभी भी आप देख सकते हो मार्केट ऊपर जाके नीचे आ रहा है, फिर भी गाइस मैं एग्जिट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है इससे मार्केट को और भी ऊपर जाना है और अच्छा प्रॉफिट मुझे इस ट्रेड में मिल सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल हम इस ट्रेड में अच्छी पोजीशन पे आए और नीचे आप देख सकते हो जो हमारा एसएल था मार्केट ने वहां पर टच भी नहीं किया, लगभग 50% एसएल को टच किया, वहां से मार्केट ने रिजेक्शन कैंडल फॉर्म की और अभी फिलहाल आप देख सकते हो मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर निकल पड़ रहा है, जिससे गाइस यहां पर हमें 1200-1300 रुपीस का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल गाइस यहां पर आप देख सकते हो प्रॉफिट बढ़ रहा है, थोड़ा सा हम बैक चलते एग्जिट का सेटअप बनाते और जैसे गाइस यहां पर हमें 1500-2000 रुपीस का प्रॉफिट देखने को मिलता है तुरंत ही गाइस यहां पर हम एग्जिट करेंगे। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हो 1400-1500-1600 रुपीस का मुझे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो चलिए लालच बुरी बला है, फटाफट से यहां पर मैं सेलिंग का सेटअप बनाता हूं और आप देख सकते हो यहां पर मैंने इस ट्रेड को सेल किया है, सेल ऑर्डर कंप्लीटेड लिखा आ चुका है और आप देख सकते हो तो केवल 3 लॉट से इस ट्रेड में आज हमने एंट्री बनाई थी और केवल 3 लॉट से आज हमने इस ट्रेड से 1800 रुपीस से भी ज्यादा का प्रॉफिट बुक किया है। गाइस इस ट्रेड को लेने के पीछे का लॉजिक और स्ट्रेटजी मैंने आपको पहले ही बताई, अगर आपने वीडियो को स्किप करके वॉच किया है तो आप वीडियो को फिर से वॉच कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमने एनालिसिस किया था मार्केट का और किस तरीके से गाइस हमने यहां पर प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट को आज ऊपर ही जाना है। कॉल राइटर भले ही ज्यादा थे मैंने आपको बताया था, बट फिर भी मार्केट को 600 के लेवल को क्रॉस करना था, 700 को क्रॉस करना था और आप देख सकते हो मार्केट ऊपर ही जा रहा है और यहां पर हमने कितने पॉइंट बुक किए, तो 132 पॉइंट्स यहां पर बुक किए, जिसमें गाइस यहां पर 3 लॉट से आज हमें 1829 रुपीस का प्रॉफिट हुआ है। और अभी गाइस मैं आपको बता दूं यहां से मार्केट को फिर भी ऊपर जाना है, बट गाइस मुझे यहां पर थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिल रहा है प्रीवियस मार्केट से, तो मैंने यहां पर क्या किया, अब इतना प्रॉफिट 1500 रुपीस से ऊपर प्रॉफिट निकल चुका था तो मैंने तुरंत यहां पर प्रॉफिट बुक किया, इससे ज्यादा गाइस मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं और इससे ज्यादा प्रॉफिट भी मुझे 3 लॉट से नहीं चाहिए। तो ये लॉजिक होता है, स्ट्रेटजी होती है कुछ इस तरीके से गाइस, आप भी केवल 3 लॉट से कम प्रीमियम में कम से कम लॉट से यहां पर आप एंट्री कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से गाइस आज मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ लाइव डेमो के साथ बताया कि किस तरीके से आपको ट्रेड में एंट्री बनानी होती है, क्या-क्या एनालिसिस करना होता है, किस तरीके से आपको ट्रेड को होल्ड करना होता है और किस तरीके से आपको परफेक्ट प्रॉफिट बुक करना होता है, सभी कुछ गाइस आज आपने लाइव प्रूफ के साथ देखा। अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा है तो फिर मैं आपको बता दूं वीडियो फिर से वॉच करना, काफी नॉलेजफुल ये वीडियो है। अगर आप भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो गाइस जरूर से इस वीडियो को पूरा वॉच करना, एक बार में समझना है तो दोबारा वॉच करना। चलिए गाइस मैं आपको ऑर्डर डिटेल बता देता हूं कि इस ट्रेड को हमने कितने प्राइस पर बाय किया था, कितने बजे बाय किया था, कितने प्राइस पर सेल किया और कितने बजे सेल किया। तो आप देख सकते हो यहां पर 9:45 पर गाइस यहां पर मैंने इस ट्रेड में एंट्री बनाई थी लगभग 225 रुपीस के प्राइस पर। आप देख सकते हो 3 लॉट हमने बाय किए थे और टोटल बाय प्राइस आप देख सकते हो 10,136 रुपीस हमने प्रीमियम पे किया था इन 3 लॉट को बाय करने में। वही बात की जाए सेल प्राइस की तो आप देख सकते हो 10 बजे यानी कि गाइस टोटल 15 मिनट बाद हमने इन 45 क्वांटिटी को सेल किया है। सेल कितने प्राइस पर किया है तो आप देख सकते हो 265 रुपीस के प्राइस पर हमने इसको सेल किया है और टोटल सेल प्राइस आप देख सकते हो 11,955 रुपीस के प्राइस पर गाइस यहां पर हमने इन 3 लॉट को सेल किया है। और इसी बीच गाइस यहां पर इन 3 लॉट से आज हमें इस ट्रेड से 1829 रुपीस का प्रॉफिट हुआ है। वही बात की जाए ब्रोकरेज चार्जेस की तो लगभग गाइस 40-50 रुपीस का आज हमें ब्रोकरेज लगाऊंगा और आप देख सकते हो कितने सही टाइम पर गाइस हमने इस ट्रेड से एग्जिट किया था। और कुछ ही देर बाद गाइस मैंने मार्केट को फिर एक बार ओपन किया और देखा तो गाइस जहां पर हमने प्रॉफिट बुक किया था उसके थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता है और वहां से गाइस आप देख सकते हो कितना जबरदस्त मार्केट नीचे आता है। लगभग गाइस जहां पर हमने एंट्री बनाई थी मार्केट वहां पर आ पहुंचा, यानी कि जो हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा था वो टोटली लॉस में कन्वर्ट हो जाता। तो इस तरीके से गाइस आपको परफेक्ट एनालिसिस के साथ ट्रेड में एंट्री बनानी है, परफेक्ट एंट्री करनी है, परफेक्ट एग्जिट करना है। अब गाइस अगर आपको ये सीखना है किस तरीके से आप परफेक्ट एनालिसिस कर सकते हो, परफेक्ट एंट्री एग्जिट सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किस तरीके से करना है, गाइस डेली मैं आपको लाइव ट्रेडिंग वीडियो प्रोवाइड करता हूं जिसमें गाइस मैं आपको लॉजिक बताता हूं, स्ट्रेटजी बताता हूं और भी बहुत सारी चीजें बताता हूं जिन्हें देखकर गाइस आप ट्रेडिंग सीख सकते हो और परफेक्ट एनालिसिस के साथ परफेक्ट एंट्री बनाकर परफेक्ट एग्जिट कर सकते हो, डेली प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हो। तो गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑलवेज जरूर सेट करना ताकि गाइस जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं गाइस आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करना क्योंकि गाइस आपका एक लाइक मुझे बहुत 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 मोटिवेट करता है। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।